कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। सबको पता है कि बच्चों के स्कूल खुल गए और बच्चों की नई बुक भी आ गई है, तो बच्चे बुक को फाड़ देते हैं। इसलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि बच्चों की बुक पे कवर कैसे लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम कवर लगाने। मैंने ये कवर ली है और एक सीजर ली है। हमें चाहिए स्टेपलर। मैं दो तरीके से आपको कवर लगाने बताऊंगी, एक स्टेपलर से, और अगर स्टेपलर नहीं हो तो फिर कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। तो मैंने कवर को फैला लिया और कॉपी को कवर के ऊपर रख लिया है। अब हम इसे दोनों साइड से कटिंग करेंगे। ये देखो मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग वाला पार्ट है जो वो हम कॉपी के नीचे दबा देंगे और दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे। आजकल ये कटिंग वाले कवर आने लगे हैं, वैसे रोल का कवर लाना चाहिए, अच्छा वही रहता है क्योंकि इसका साइज छोटा बड़ा हो जाता है। ये देखो मैंने इधर से फोल्ड कर दिया, ऐसे ही मैं दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दूंगी। दोनों साइड से हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। कवर लगाना इजी होता है लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। आज मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से लगाए हैं कवर, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। ये देखो फोल्ड कर दिया, दोनों साइड से कवर लग गया। अब मैं इस पर लगा दूँगी स्टेपलर। स्टेपलर से हम पिन लगा देंगे, कॉर्नर पे लगा देंगे ताकि ये फटे नहीं और इधर उधर ना जाए। ये देखो स्टेपलर लगा दिए मैंने, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। अगर हम बच्चों की नई बुक पे ही कवर लगा देते तो फिर बुक फटती नहीं है, बिना कवर के बुक जल्दी फट जाती है। और छोटे बच्चे तो केयर भी नहीं कर पाते बुक की अच्छे से। ये देखो हमने स्टेपलर लगा दिए। हमारी बुक जो कवर से रेडी हो गई है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नेम स्लिप, जिसे लगाने से बच्चे उस पर अपना नेम, एड्रेस कुछ भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है किस सब्जेक्ट की बुक है या कॉपी है। इस पर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास सब लिख देते हैं। अब हम आपको दूसरे तरीके से लगाना बताएंगे। ये देखो मैंने बुक ली है और कवर पर रख के ऐसे ही दोनों साइड से कटिंग करेंगे और फोल्ड कर देंगे। अगर स्टेपलर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? ये देखो दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया ऐसे ही इसे फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखो इधर से फोल्ड कर लिए, ऐसे हम दूसरी साइड से भी इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये दोनों साइड से फोल्ड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम ये टेप लेंगे। ये देखो टेप ऐसे लगाने में हमें दिक्कत होगी, तो हम एक क्या ट्रिक अपनाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टेप को कट कर लेंगे और अपने हैंड पर लगा लेंगे। इतनी बड़ी टेप से लगाने में हमें प्रॉब्लम होती है, नहीं लगा पाते, तो हम छोटे छोटे पीसेस में टेप को कट करेंगे और अपने हैंड पर लगा लेंगे। आप कहीं भी लगा सकते हैं, हैंड पर या फिर साइड में कुछ कॉपी या बुक वगैरह रख सकते हैं उस पर लगा सकते हैं। ये देखो मैंने हैंड पर, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। अब मैं इजीली एक एक टेप के जो ये टुकड़े कट किए इन्हें हटाऊंगी और कॉपी पर लगा दूंगी। इसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इजीली लग जाता है। अगर आपके पास कटिंग वाली वो टेप होती है वो फिर तो अच्छा है, अगर वो नहीं होती है, जरूरी नहीं कि सबके पास वही होती है। तो देखो मैंने इजीली लगा दिया, ये कितना जल्दी लग गया। अगर मैं बड़ी टेप से ही ऐसे पीसीज
कट करके बार बार लगाती तो बहुत टाइम लगता। देखो अब मैं एक दो जो बच गए हैं उस पर कट कर रही हूँ और फिर लगा रही हूँ, तो कितना टाइम लगता है। तो पहले बहुत सारे पीसेज जितने हमें ज़रूरत है हैंड पर लगा लेंगे टेप को कट करके, और फिर हम जल्दी जल्दी बुक पर लगा देंगे। देखो अलग से कट करने में कितना टाइम लगता है, मैंने ये भी दिखाया है कि कितना टाइम लगता है। मैंने दो या तीन पीसेज लगाए हैं अलग से ये कट करके, तो कितना टाइम लगा। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नेम स्लिप, कवर हमारा पूरा लग गया है। नेम स्लिप आप बीच में या ऊपर या नीचे जहाँ आपको अच्छा लगता है, आजकल डिजाइन में कहीं भी लगा देते हैं बच्चों को जहाँ अच्छा लगता है। ये देखो मैंने लगा दी नेम स्लिप, इस पर हम रोल नंबर, नेम, स्कूल नेम, जो भी इसमें ऑप्शन होता है सब लिख लेते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने दो तरीके से आपको बताई है, एक पिन से और एक टेप से। ऐसे ही मैंने सब बुक पर कवर लगा दिया है। देखो अब बुक कितनी अच्छी लग रही है और पहले कैसी लग रही थी। कवर लगाने से बुक अच्छी भी लगती है और फटेगी भी नहीं। तो गाइज आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।